नमस्कार मित्रों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, आपका स्वागत है आपके मन पसंदीदा फेवरेट यूट्यूब चैनल सादाबाद केसरी में। और आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। जैसा कि आप टाइटल पर देख रहे हैं, थंबनेल में देख रहे हैं कि वेस्ट बंगाल और गुजरात की निकासी के बारे में आज हम बात करेंगे। और आज हम बात करेंगे आप लोगों के लिए मंडी भाव, कौन सी मंडियों में आज अच्छा खासा तेज़ी देखी गई है, कौन सी मंडी डाउन हुई है। लेकिन जहाँ तक मेरा मानना है, जो मंडी भाव देखे हैं उसके अनुसार आज जो है 1 रुपये से लेकर 2 रुपये किलो तक समस्त मंडियों में आज टाइटनेस देखी गई है। दिल्ली की आजमपुर मंडी के भी भाव बताऊँगा। लेकिन अगर आपने अभी तक अपना ही चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले फटाफट से सब्सक्राइब कर लिए, पास में ही बेल आइकन है उसे ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए। इससे क्या होगा, जब भी हमारे द्वारा यूट्यूब पर वीडियो अपलोड की जाएगी, यूट्यूब सीधा नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचाएगा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आप लोगों के लिए निकासी के बारे में। तो निकासी सबसे पहले हम गुजरात की बात कर लेते हैं। तो गुजरात में जो निकासी का स्तर है वो 80% तक आलू की निकासी हो चुकी है। अगर बात करें 10% ही इसमें बीज का बचा है और 10% ही राशन का बचा है। ऐसे में अब बात आती है रेट बढ़ने की। तो क्योंकि अभी बुवाई का सीजन चल रहा है, किसान जो है किसी भी कीमत पर आलू बेचना चाह रहा है क्योंकि उसे फर्टिलाइजर की आवश्यकता है, बीज की आवश्यकता है। और इस वर्ष जो है गुजरात में बीज के दामों में भी काफ़ी अच्छा खासा इंक्रीजन देखने को मिला है। पंजाब से जो पुखराज और ख्याति का जो बीज आ रहा है वो लगभग 2000 रुपये से लेकर 2300 रुपये प्रति कट्टा तक बिक रहा है। ऐसे में किसान के सामने एक बड़ी समस्या बन गई है कि आखिर वो बीज इतना महंगा कैसे बुवाई करे और किस तरीके से मेंटेन करे। तो ऐसे में आपाधापी मची हुई है और इसमें रेटों को लेकर भी काफ़ी कन्फ्यूजन है। लेकिन मेरा ये मानना है कि आने वाले समय में रेटों को अच्छा इंक्रीजन आप लोगों को लिए मिल सकता है, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लगभग 15 से 17% आलू राशन का बचा है बीज निकासी के बाद में। अब ऐसा है आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के भी रेट देखने को, बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। तो और अब बात कर लेते हैं आपके पश्चिम बंगाल की। तो पश्चिम बंगाल के किसान साथियों, भी आप लोगों को भी रुकना होगा अगर आप में धैर्य है तो, क्योंकि जल्द से जल्द जितनी जल्दी भी मैंने आपको गुजरात का बताया, उत्तर प्रदेश का बताया, ऐसे ही सेम कंडीशन आपके यहाँ पे भी है। अगर मैं बात करूँ बांकुरा की, तो 58% की यहाँ पर निकासी हो चुकी है। वीरभूमि की बात करें तो 61% की निकासी है। बर्दवान की बात करें तो 67% की है। हुगली की बात करें तो 63% की यहाँ निकासी साफ तौर पर देखी जा रही है। हावड़ा में 62% की है। अगर बात करें मेदिनीपुर पश्चिम की, तो 61% की निकासी हो चुकी है अब तक। अगर मुर्शिदाबाद की बात करें तो 70%, और अगर नॉर्थ बंगाल की बात करें किसान साथियों, तो 65% की यहाँ निकासी हो चुकी है। अगर ओवरऑल पश्चिम बंगाल की बात करें तो लगभग 62% की निकासी यहाँ पर हो चुकी है। यानी कुल मिला के अब बात आती है कि रेट कब बढ़ेंगे। तो रेट भी अब आप लोगों को बढ़ोतरी देखने को मिलेगी आने वाले हफ्तों में। मैं इसे कंक्लूडेड डेट नहीं बता सकता, लेकिन आने वाले हफ्तों में इसका आप लोगों को बेहतरीन रेट मिलने की पूरी संभावना है। क्योंकि उत्तर प्रदेश हो, गुजरात हो या हो पश्चिम बंगाल, ये मेजर हब हैं पूरे ऑल इंडिया में, और यहाँ पर आलू काफ़ी तादाद में बोया जाता है। ऐसे में आलू का जो रेट वो है, करंट रेट है, वो काफ़ी सही चला है। लेकिन किसान उसमें उलझे हुए हैं कि आगे भयंकर तेज़ी कब आएगी। लेकिन भयंकर तेज़ी भी अब आने वाली है, क्योंकि 8 तारीख से लेकर 9 तारीख तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर जिलों में भारी बारिश का रेड अलर्ट मौसम विभाग ने जारी कर दिया। ऐसे में अगर बारिश आती है तो रेटों पर इंक्रीजन आपको देखने को आने वाले सप्ताह में मिल सकता है। डेट इंक्लूडेड नहीं बताऊंगा। अब बात कर लेते हैं किसान साथियों मंडी भाव की। तो मंडी भाव शुरू करने से पहले अगर मौसम से जुड़ी कोई भी जानकारी समय से पहले आप लोगों को चाहिए तो यूट्यूब पर ही ट्विन क्रैकर्स चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी दोस्तों के साथ इसकी वीडियो शेयर किया कीजिए, ताकि चैनल को भी ग्रोथ मिले और आप लोगों को भी अच्छी अच्छी जानकारी इस पर मिल सके मौसम से रिलेटिव। अब बात कर लेते हैं आपके मंडी भाव की। तो सबसे पहले आप शुरुआत करेंगे आज़ादपुर मंडी भाव की। तो आज़ादपुर, दिल्ली की आज़ादपुर मंडी में 120 गाड़ियों की आवक हुई है, कल की 50 गाड़ी बैलेंस है। अगर 37-97 आलू की यहाँ पर बात करें तो 900 से लेकर 1050 रुपये प्रति कट्टा बिका है। चिप्सोना 1100 से लेकर 1300 रुपये प्रति कट्टा बिका है। सूर्या, चंदौसी, संभल, बदायूं, बिलसी 1300 से लेकर 1500 रुपये। सूर्या, आगरा, अलीगढ़, मथुरा, हाथरस 1100 से लेकर 1200 रुपये प्रति कट्टा। उत्तर प्रदेश का लाल आलू 700 से लेकर 750 रुपये। उत्तर प्रदेश का डायमंड 1300 रुपये से लेकर 1350 रुपये। डायमंड पंजाब का 900 रुपये से लेकर 1000 रुपये प्रति कट्टा। T7 1100 रुपये से लेकर 1200 रुपये प्रति कट्टा। ख्याति पुखराज की बात करें 700 रुपये से लेकर 750 रुपये प्रति कट्टा। 302 S4 G4 Super 6 800 से लेकर 850 रुपये प्रति कट्टा यहाँ पर आज बिका है। यानी कि 50 से 100 रुपये यहाँ पर आज़ादपुर मंडी में आज जो है थिकनेस, यानी कि बहुत अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है, टाइट हुई है मंडी। अब बात कर लेते हैं जयपुर की। तो जयपुर में आज जो है 85 गाड़ियों की कुल आवक है, 15 रुपये किलो से लेकर 20 रुपये किलो, यहाँ पर भी 1 रुपये किलो की आज मंडी टाइट हुई है। कानपुर की बात कर लेते हैं, तो कानपुर में यहाँ 750 रुपये से लेकर 825 रुपये का आज बाजार रहा है। कानपुर भी आज यहाँ टाइट
रेट हुआ है। अगर गुल्ला की बात करें तो 550 रुपये से लेकर 620 रुपये प्रति कट्टा तक यहाँ पर पहुँच गया। यहाँ 40 किलो की तौल होती है किसान साथी, मैं आपको बता देता हूँ। अगर बात करें या मदुरई मंडी की, तो मदुरई मंडी आज जो है 10 गाड़ियों की आवक है। 27 रुपये किलो से लेकर 31 रुपये किलो तक आलू का यहाँ 1 रुपये किलो का उछाल देखा गया, यानी तेजी आई है। अगर बात करें मेटेपालम मंडी की, तो यहाँ पर 28 से लेकर 31 रुपये किलो तक बाजार है, यहाँ पर भी तेजी देखने को मिली है। अगर बात कर लेते हैं हम चेन्नई की, तो चेन्नई में उत्तर प्रदेश की 15 गाड़ियों की आवक होने के बावजूद यहाँ पर 25 रुपये किलो से लेकर आज 28 रुपये का बाजार है। अगर हम बात कर लेते हैं बेंगलोर मंडी की, तो यहाँ पर 36 गाड़ियों की आवक होने के बावजूद 1250 रुपये से लेकर 1500 रुपये प्रति कट्टा तक यहाँ पर आलू यहाँ पर बिका है। अगर हम बात करें आपके जोधपुर की, तो जोधपुर में आज जो आलू बिका है वो बिका है 15 रुपये किलो से लेकर 18 रुपये किलो। अगर गुजरात की बात कर लेते हैं अहमदाबाद की, तो यहाँ पर 15 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो तक आपका ख्याति पुखराज बिका है। अब बात कर लेते हैं आपके मुंबई मंडी की, तो मुंबई मंडी का जो VIP है वो 24 रुपये किलो, यानी कल के मुकाबले 1 रुपये यहाँ पर बढ़ोतरी देखी गई है। और अगर बात करें जूट वाले की, तो 19 से 22 रुपये किलो, और सीधा जो कोल्ड स्टोरेज जा रहा है 19 से 22 रुपये किलो, और हाइब्रिड जो है 17 से 19 रुपये किलो बिका है। यूपी का गोल आलू जो लाल आलू है वो 17 से 19 है। हालैंड आलू 20 रुपये किलो तक है। अगर बात करें आपके गुजरात की बादशाह ज्योति पुखराज की, तो 20 से 22 रुपये किलो। यहाँ टोटली मंडी आज जो है काफ़ी अच्छा मजबूत देखने को मिली है। अगर आपके बात करें भुवनेश्वर की, तो 2000 रुपये से लेकर 2100 रुपये प्रति क्विंटल सभी प्रजातियों का आलू यहाँ भुवनेश्वर मंडी यानी उड़ीसा की में बिका है। अगर बात कर लेते हैं कोटा की, तो कोटा में आज जो है 16 रुपये किलो से लेकर 19 रुपये किलो, एक आध आड़त में 21 रुपये किलो तक आलू बिक गया है। अगर बात करें आपके गुवाहाटी की, तो गुवाहाटी की मंडी में आज जो है अच्छा रेस्पॉन्स देखने को मिला है, 26 रुपये किलो से लेकर 29 रुपये किलो का यहाँ बाजार चला है। और आने वाले समय में किसान साथियों आलू में भयंकर तेजी आने की संभावना है। आने वाले एक या दो हफ्ते के अंदर आप खुद देखना कितनी तेजी आप लोगों को मिल सकती है। लेकिन अगर आप ये पूरी तरीके से स्टॉक करके बैठे हैं, तो वो आप लोगों के लिए दुखदायी हो सकता है। मेरा निवेदन आपसे यही रहेगा कि धीरे धीरे करके सही, लेकिन आलू की निकासी करते रहिए, और आने वाले सप्ताह में आपको अच्छा इसको देखने को मिलेगा। तो यही था किसान साथियों, आज आपने पश्चिम बंगाल गुजरात के डाटा देखा, उत्तर प्रदेश का मैं 2-3 दिन पहले ही बता चुका हूँ। ऐसे में आप जो महज अगर बात की जाए पंजाब रहता है, तो पंजाब भी 1-2 दिन में हम बिल्कुल बता देंगे। लेकिन इस समय पर राशन का जो आलू है पूरे देश भर में महज 17% ही बचा है, जो कि इनसफिशियंट है नवंबर तक, और नवंबर के बाद में फिर नए आलू पे डिपेंड होना पड़ेगा। ऐसे में दाम बढ़ना पूरी तरीके से लाजमी है, और ये बढ़ के भी रहेंगे। लेकिन आने वाले समय में ये समय है, इसका कोई भरोसा नहीं है, ऊँट किस करवट में बैठ जाए। फिलहाल मेरे साथ में वीडियो में इतना ही। वीडियो अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और सभी दोस्तों के साथ वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।